नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, आगामी जनवरी माह में निकाय चुनाव कराए जाने की संभावना पर निवर्तमान सभासदों ने आपत्ति जताई है। सभासदों ने ठंड और मतदाताओं के अवकाश के चलते मतदान प्रतिशत में गिरावट की आशंका जाहिर करते हुए चुनाव फरवरी में कराए जाने की मांग की है। निवर्तमान सभासद रविन्द्र सिंह बिष्ट, राधा सूंठा, कमल कुमार पांडे, सरस्वती मखौलिया, अनिल माहरा, किशन सिंह खड़ायत, नीरज कुमार, पवन माहरा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। पूर्व सभासदों ने कहा कि जनवरी माह में विद्यालयों में अवकाश रहता है, अधिकांश मतदाता बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। कई मतदाता जिनका नाम नगर निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है, वे अपने गांवों को चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आ सकती है। सभासदों ने ज्ञापन में निकाय चुनाव जनवरी की जगह फरवरी माह में कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य के पर्वतीय जिलों में खनिज न्यास निधि का उपयोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए करने की मांग उठाई है। संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि अल्मोड़ा प्रशासन ने खनिज निधि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जोड़ते हुए रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती का सफल प्रयास किया है। समिति ने पिथौरागढ़ सहित अन्य पर्वतीय जिलों में भी इस मॉडल को अपनाने की अपील की। उन्होंने जल्द ही इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे जाने की बात कही है। साथ ही संयोजक मर्तोलिया ने अल्मोड़ा जिलाधिकारी के अभिनव प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। जनपद पिथौरागढ़ में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अराजक तत्वों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष निगरानी रखते हुए जनपद पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाया है, जिसके तहत प्रभारी कोतवाली पिथौरागढ़ मदन सिंह बिष्ट और टीम ने महादेव धारे के निकट ढाबे में शराब परोसने पर ढाबा संचालक चंद्र सिंह को अवैध शराब साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष जाजर देवल प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम लांगड़ी रियासी में सुरेश चंद को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। डीडीहाट पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चला रहे दीपक सिंह को गिरफ्तार कर उसका वाहन सीज कर दिया। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 132 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल दारचुला मल्लिकार्जुन गांव पालिका वार्ड नंबर 5 मलतड़ी गांव के 31 वर्षीय वीर राम लुहार की पहाड़ी में लुढ़क जाने से मौत हो गई। वीर राम अपने गांव से अपने रिश्तेदार को लेने को पहाड़ी के रास्ते पस्ती बाजार रहा था। पस्ती जाने के दौरान वीर राम जेवलधार नामक पहाड़ी से फिसल कर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी घटना स्थल में ही मृत्यु हो गयी। दारचुला प्रहरी ने शव को निकालकर परिजनों को सौंप दिया। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।